तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हमारे पास है वीवो Y18e मॉडल। तो दोस्तों आज आपको बताएंगे कि आप इसको रीसेट कैसे कर सकते हो, इसको रीसेट करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपको एक सिंपल तरीका बताऊँगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं ढूंढना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऊपर, यहाँ पर एक सर्च बार बना हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ टाइप करना होगा, यहाँ पर आपने लिखना है रीसेट। रीसेट लिखने के बाद दोस्तों आपके पास बहुत सारे रीसेट के ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रीसेट ऑल सेटिंग पर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन इस तरह से आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन सा रीसेट कहाँ पर यूज होता है। अगर आपका ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर इसको रीसेट कर सकते हो। अगर आप अपने फ़ोन के सारे एप्लीकेशन जितने भी है सारे खाली करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी सेटिंग में कोई दिक्कत आ गई है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस सेटिंग को कहाँ से बंद किया जाए, तो आप यहाँ पर अगर ऑल सेटिंग को रीसेट करोगे तो क्या होगा, आपकी सारी सेटिंग जो है वो सही हो जाएगी अपने आप। तो अगर आप अपने पूरे फ़ोन को रीसेट करना चाहते हो तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है रेज ऑल डाटा पर। इसे रीसेट करने से क्या होगा, हमारा जितना भी डाटा है सारा का सारा जो है वो वॉश हो जाएगा, हमारे फ़ोन में कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा फ़ोन जैसे नया डिब्बा पैक आता है वैसे हमारा फ़ोन जो है वो हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं रीसेट ऑल डाटा पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर रेज ऑल डाटा पर क्लिक करना है, फिर से रेज ऑल डाटा पर क्लिक करना है। बीच में आपसे लॉक भी मांगेगा जो स्क्रीन पर आपने लगाया हुआ है, अभी मैंने नहीं लगाया तो यहाँ पर इसने नहीं मांगा। तो यहाँ पर फिर से रेज ऑल डाटा कर देंगे। रेज ऑल डाटा करने के बाद दोस्तों क्या होगा, हमारा ये जो फ़ोन है वो बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद अपने आप ये जो है वो स्टार्टिंग से चालू होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा प्रोसेस होता है, थोड़ा टाइम लगेगा ऑन होने में, इसमें कम से कम 5 मिनट लगेंगे। आपने 5 मिनट वेट करनी है, उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।